बताना चाहूंगी कि 30 डेज की इस इंग्लिश स्पोकन की सीरीज में आज हमारा डे है डे 12। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इज एम आर। इज एम आर का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला है टू डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग। अगर आप किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तभी इज एम आर यूज करके बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी। हैप्पी क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं फिलहाल कैसी हूँ। ये चीजें देखिए, आप एट प्रेजेंट अगर किसी के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट में अगर कोई चीज बता रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब आप इज एम आर का यूज करेंगे। अगर पास्ट में कर रहे हैं तब इज एम आर यूज नहीं होगा, राइट? एट प्रेजेंट अगर आप किसी चीज को या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तब इज एम आर यूज करके बताएंगे। मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एंड देन एडजेक्टिव। किसी पर्सन को किसी थिंग को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वो पर्सन या थिंग वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जिसके बारे में आप बताएंगे वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब, राइट, एंड देन एडजेक्टिव। अब वर्ब देखिए, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज एम आर। तो यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। और यहाँ देखिए आप, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा रहा है कि मैं फिलहाल कैसी हूँ, हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कैसी है, सी इज ब्यूटीफुल, राइट। तो हमने पहला यूज देखा कि इज एम आर का यूज हम करते हैं डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो सेकंड यूज है वो है नेम और रीनेम अ पर्सन और थिंग। अगर किसी पर्सन या थिंग को आप रीनेम कर रहे हैं या नेम दे रहे हैं कि वो ये है, ये की जगह आप क्या यूज करेंगे, उसका प्रोफेशन है या कुछ भी है, आप उसके बारे में बताएंगे। मीन्स आप उसको एक पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं ना, प्रोफेशन से रिलेटेड। सपोज कीजिए कोई टीचर है तो आप उसे कहेंगे ही इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक टीचर है, एक नाम दिया ना आपने उसको कि वो टीचर है, पढ़ाती है, इसलिए वो टीचर है, राइट। अगर कोई डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर, राइट। तो हमने सेकंड यूज क्या देखा, नेम या रीनेम अ पर्सन और थिंग। अगर किसी पर्सन या थिंग को आप नेम दे रहे हैं कोई पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रोफेशन, देन वी विल यूज इज एम आर एट प्रेजेंट, राइट। ओनली प्रेजेंट में ये डिस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट है टू से व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एट प्रेजेंट अगर कुछ काम चल रहा है ना, वर्क इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, देन यू विल डिस्क्राइब दैट बाय यूजिंग इज एम आर। तो ये देखिए, हमने तीन यूज देखे जो इज एम आर का यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एट प्रेजेंट अगर कोई काम चल रहा है तो हम उसे कैसे बताएंगे। ओके, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कोई और कोई काम कर रहा है, तो उसको कैसे बताया जाएगा। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस बोलने का तरीका है आई के बाद एम। आपको पता ही है आई के बाद हमेशा एम का यूज होता है। किसका यूज होता है, एम का। तो आई के बाद आप हमेशा एम यूज करेंगे, आई एम, एंड देन जो आप वर्क कर रहे हैं ना उस वर्क में आप आईएनजी लगा देंगे। आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। वीडियो देखने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वॉच द वीडियो, राइट। तो ये सेंटेंस आप क्या बोलेंगे, आई एम, यहाँ पर वॉच, उसमें वॉच में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, आई एम वॉचिंग द वीडियो। यस, आई एम वॉचिंग द वीडियो। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड।
अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और किसी को समझाने को बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये काम क्या है, आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं ना, तो ऐसे कामों को बताने के लिए इस जमात का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं डी और सी की बात करूं कि वो ये काम कर रही है या वो ये काम कर रहा है, एट प्रेजेंट काम चल रहा है, काम चल रहा होना चाहिए तभी आप इस जमात का यूज करेंगे, राइट। तो वो ये काम कर रही है, वो क्लास अटेंड कर रही है, सी इज एंड देन अटेंड, अटेंड में क्या लगेगा आईएनजी, सी इज अटेंडिंग द क्लास, वो इंग्लिश में बात कर रही है, सी इज टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये सेंटेंस कैसे सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे। तो चलिए दो तीन सेंटेंस हम बात बोल के देख लेते हैं फ्लो लाने के लिए कि हमें कैसे बोलने हैं। एट प्रेजेंट आप देखिए मैं क्या क्या कर रही हूँ, सोचिए बताइए क्या क्या कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं थोड़ा मूवमेंट भी कर रही हूँ ना, आई एम मूविंग, राइट। मैं बोर्ड पर लिख भी रही हूँ ना, तो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब आप बताइए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं जी, आप जो जो काम कर रहे हैं आप भी ऐसे ही बताइए, आई एम एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। अब मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी कि आप भी ये काम कर रहे हैं, तो कैसे बताऊंगी, यू आर, राइट, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, यू आर अटेंडिंग द क्लास, राइट। तो ये प्रैक्टिस करें हमने, अब थोड़ा सा ही और सी के बारे में देख लेते हैं, ही इज कमिंग हियर, सी इज टॉकिंग टू मी, राइट। तो ऐसे हम सेंटेंस बोलेंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बोलने, जो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारे इज एम आर, इसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, एम के बाद नॉट, आर के बाद फिर नॉट और इज के बाद नॉट, आई एम नॉट, अगर मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ आई एम नॉट एंड देन जो भी वर्क है उसमें आईएनजी लगाऊंगी, यू आर नॉट वर्ड प्लस आईएनजी, आप जो काम नहीं कर रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, आप पढ़ नहीं रहे हैं, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट स्टडिंग, आप मुझे बता नहीं रहे, यू आर नॉट टेलिंग मी, राइट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे, और ही और सी के बारे में ऐसा बोले जाए कुछ सेंटेंस तो क्या बोल सकते हैं हम, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, सी इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस कि हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलने। अब देखिए क्वेश्चनिंग देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चनिंग कैसे करनी है। अगर हम सामने वाले से क्वेश्चन करें कि क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, आर यू से। जैसे कि हम देखिए जो भी सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्टिंग में रख देते हैं, क्या तुम ये काम नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट डूइंग दिस वर्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम सिंपली पूछें कि क्या तुम यहाँ आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो क्वेश्चन किससे किया जा रहा, आर यू से, इज ही इज सी, ये है अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो इज ही से और इज सी से करेंगे, राइट। क्या वो पढ़ाई नहीं कर रही है, इज सी नॉट स्टडिंग, क्या वो यहाँ आ रहा है, इज ही कमिंग हियर, ओके। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हमें कैसे बोलने हैं। अब देखिए अगर हम पूछें कि कौन यहाँ आ रहा है, हु इज कमिंग हियर, कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, हु इज स्टडिंग, कौन मेरी वीडियो देख रहा है, हु इज वॉचिंग माई वीडियो, कौन इंग्लिश सीख रहा है, हु इज लर्निंग इंग्लिश,
कौन मेरी बातें समझ रहा है? Who is getting me? Getting me. Getting me means मुझे समझ रहा है. Right? अगर मैं आपसे कहूं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो क्वेश्चन किससे किया जाएगा? Why से. किससे किया जाएगा? Why से. Why means क्यों. क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? Why are you telling a lie? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? Why are you not talking to me? तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? Why are you not writing? Friends, मैंने अभी तक जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, आपने उनको एक नोटबुक में लिखना है, सभी कॉन्सेप्ट को, वो कैप को, और डेली प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से, तो जो भी मैं आपको वो कैप देती हूँ ना, डेली रूटीन से रिलेटेड या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आपने उनको डेली प्रैक्टिस करनी है. अब आप कहेंगे कि घर में एटमोस्फेयर नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करें, किससे बात करें इंग्लिश में? तो फ्रेंड्स, आपको खुद ही एटमोस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा. आप दो तीन चीजें ऐसी घर में बना लीजिए जो आपकी फ्रेंड हो, जो आपकी फ्रेंड्स बन सके. अब आप कहेंगे कि यार घर में कोई ऐसा नहीं जो इंग्लिश में मुझसे बात कर सके, मेरे फ्रेंड बन सके. तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, मिरर के सामने बात कीजिए, और अपनी जो भी बात है उसे कहिए, वो आपकी मजाक नहीं बनाएगा. दोस्तों में क्या होता है, लोगों में क्या होता है, अगर किसी के सामने आप इंग्लिश बोलेंगे, कुछ गलत बोला जाता है, तो मजाक बनाने लग जाते हैं. वो मजाक इसलिए बनाते हैं, भाई हम तो नहीं बोल पा रहे, तुम भी मत बोलो, है ना? क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं ना. तो घर में अपने मोबाइल को, अपनी वॉच को, अपने मिरर को, अपने रूम को, अपने रूम की वॉल को, सबको, जो भी हो सके, आप उन्हें अपना फ्रेंड बनाइए, उनसे बातें कीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत है. ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं ना, इन सभी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एक आपको इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लो बनेगा, आप फ्लुएंटली बात कर सकेंगे. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था हमारा इज़ेमार, आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें मोटिवेट करने के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए यू